अभय ने भरी खून से श्रद्धा की मांग, दोनों का हुआ फिर से मिलन, अभय की याददाश्त आई वापस। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरियल किस्मत की लकीरों के सेट पर है हम और हाँ, यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हम आपको बता दें कि अभय की याददाश्त वापस आ गई है और ये खुशी दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अपने खून से वो श्रद्धा की मांग भरता है और उसे गले लगा लेता है, मानो जन्मों से दोनों एक नहीं हो पाए हैं। और ये सारी चीज़ें रोशनी देख लेती है। रोशनी को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तब श्रद्धा कहती है कि तुम अभय को धोखा देती आई हो, तुमको पहले दिन से ही पता है कि मैं उसकी पत्नी हूं, फिर तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश क्यों की। अब देखना ये है कि रोशनी अपने आप को कैसे संभालती है। हाँ, रोशनी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो उसे जब पता चला कि वो एकदम शॉक में, अभी उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे जिससे ये सब चीजें बदल जाए वापस, बदलना भी इसके लिए मुश्किल है। यही बोल सकते हैं। हाँ, बट उसके उसका भी टेक सही है। मतलब इन अ वे गलत नोट पे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग, बट उसने उस चीज़ को भी साइडलाइन करते हुए वो उस चीज़ में आगे चली गई। और ये नहीं कह सकते कि वो वन साइडेड था, उसने अननोइंगली स्टार्ट किया या नोइंगली स्टार्ट किया, बट उसको भी अभय से उतना ही फुल सपोर्ट मिला। तो मतलब वो ब्रू अप हो गया, वो जो भी उन दोनों के बीच था, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक सेटबैक है जो आपके लिए इतना ध्यान रख रहा है, जो आपकी डे एंड नाइट, आपकी हर छोटी छोटी चीजों की। बट देन वो स्टार्टिंग ही गलत है ना। डे वन से जो स्टार्ट हुआ, अभय को नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। स्टार्ट गलत है, उसे पता था। देन उस टाइम मे बी उसने इग्नोर किया, बट देन जो उसके बाद चीजें की है उसने, वो तो उसने खुद से की। और ये चीज उसे पता था कि जब भी इसे पता चलेगा ये सब चीजें होने वाली। मतलब एक ना एक दिन तो ये पता चलना ही था उसको, तो वो अब वो टाइम आ गया है, व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। तो ये